आनंद पांच, क्योंकि आनंद भगवान बुद्ध के, भगवंतु के, भगवा के पीए थे, असिस्टेंट थे, उनके उपस्थाक थे, सर्वर थे, तो उनकी जिज्ञासा में जितने भी प्रश्न आते थे वो उनसे उनका समाधान पूछते थे, और ऐसा उन्होंने अपने एग्रीमेंट में, समझौते में जो आठ शर्तें थीं उसमें भी कहा था। एक बार आनंद थेर सावित्री के अंदर श्रावस्ती के अंदर आराम में, यानी जहाँ सारे राम रमण करते थे, सारे भिक्कुओं को राम कहते हैं क्योंकि वो रमते हैं, तो रमने वाले को राम कहते हैं, तो सारे भिक्कू जहाँ सारे राम रमण कर रहे थे, वहाँ जो आनंद थेर थे उन्होंने देखा कि जो पेड़ और पौधे होते हैं उनकी जो जड़ है, उनकी जो मूल है, उसकी गंध हवा अपने साथ बहाकर ले जाती है, वो हवा की तरफ बहते हैं, उनका जो सार है यानी पका हुआ हिस्सा, उनका फल है या उनका तना है, उसकी सुगंध है, या जो उसके पुफ हैं, फूल हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी गंध। उन्होंने देखा कि जिधर को हवा बहती है उधर ही ये सुगंध जाती है, जिधर हवा नहीं बहती उधर नहीं आती। ऐसा पूरा शोध करने के बाद, पूरी खोज करने के बाद उन्होंने शास्ता से, भगवंत से, भगवान से, भगवा से, भगवंतु से ये प्रश्न किया कि भगवा भंते, क्या कोई ऐसी भी सुगंध है जो हवा के विपरीत प्रतिकूल भी बहती हो। तब भगवान बुद्ध ने, भगवंता ने ये जवाब दिया, वो कहते हैं कि यहाँ आनंद किसी गांव में या किसी निगम में या नगर में, क्योंकि जहाँ नाग लोग रहते हैं उसको निगम बोलते हैं, तो गांव में या निगम में जो इत्थी हैं या जो पुरुष हैं, वो जब बुद्ध की शरण में जाते हैं, बुद्ध का मतलब है बोधि और ज्ञान की शरण में, और शरण का मतलब है उन शिक्षाओं का पालन करने में, या धम्म की शरण में जाते हैं या संघ की शरण में जाते हैं, जब वे लोग ना प्राणी हिंसा करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना काम भोग और मिथ्याचार करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, और ना ही सुरा मेर मज्जा में लिप्त रहते हैं, जब वो लोग कल्याण के धम्मिक कार्य करते हैं, सीलवान होते हैं, माता से प्राप्त जैसा मन होता है, मल से रहित बिल्कुल शुद्ध मन उसके साथ रहते हैं, उदारता और शुद्ध मन से दान देते हैं, और किसी को दान देकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, धन का उदारता पूर्वक बराबर संभाग करते हैं, माता पिता का भाग अलग, दान का भाग अलग, अपना भाग अलग, परिवार का और भविष्य का भाग जो आगे बचाना होता है वो अलग, जब उनके पास याचना की जा सकती है, उस गांव के जो समण और वमण और देवता जब चारों तरफ इस बात के लिए होते हैं, यानी समण और वमण इस बात का प्रचार करते हैं, प्रचारक होते हैं कि उस गांव में सब लोग अच्छे हैं, उनकी मर्यादा, उनका सदाचार चारों तरफ फैलता है, और जो अच्छे लोग होते हैं आसपास के, जिनको देवता बोलते हैं, जो पंचशील का पालन करते हैं, वो भी जब उन इत्थी और पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, तब उनकी जो सुगंध है, प्रशंसा की सुगंध, उनकी अच्छी ख्याति की जो सुगंध है, वो हवा के विपरीत भी बहती है। यानी कि जो सीलवान पुरुष या इत्थी होता है, जो सदाचारी होता है, जो पांच सील का पालन करने वाला होता है, जो मुक्त हाथों से खुश होकर दान देने वाला होता है, जो धन का संभाग अच्छा करता है, जो माता के पेट से जैसा पैदा होता है शुद्ध मन वाला, ऐसे शुद्ध मन के साथ रहता है, ऐसे इत्थी और पुरुष की ख्याति सुगंध हवा के विपरीत चारों तरफ भी बहती है, फैलती है, वो कहीं जाए ना जाए उनकी खुशबू और उनकी सुगंध अपने आप वहाँ तक फैल जाती है। इसमें उन्होंने दो गाथाएं यहाँ कहीं, जिसकी, क्योंकि वो सारी बातें गाथाओं में कहते थे और गाथाएं ही समझी जाती थी,
ये अर्थ उनको बताया है, गाथा इस प्रकार है, जो धम्मपद की भी गाथा नंबर 54 और 55 पुष्पवक्यों के अंदर आती हैं, यानी पुष्पवक्य के अंदर आती हैं, फूलों के सेक्शन। ने पुष्पगंधो पटिवात मेती ने चंदनंग तगर मल्लिका वा सत अंच गंधो पटिवात मेती सब्बा दिशा सब पुरिसो पवायती। मतलब इसका स्पष्ट मतलब है कि चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से जो सुगंध है उनसे बढ़कर जो सील सदाचार वाले जो लोग हैं उनकी सुगंध ज़्यादा है। मल्लिका माने जो होता है वो चमेली होता है, और क्योंकि पटी वात मेती का मतलब है प्रति, वात माने हवा, मेती माने उस अनु दिशा में या उसके अनुरूप। ने पुष्प गंधो पटी वात मेती, मतलब जो फूल की गंध है वो हवा के विपरीत नहीं जाती, बहती। ने चंदन तगर मल्लिका वा, और ना ही चंदन की, और तगर माने सेंट होता है और मल्लिका माने चमेली, ना ही चमेली की और सेंट की और चंदन की खुशबू हवा के विपरीत जाती। सतंच, सतंच का मतलब है सतंग चय, यानी जो सत्पुरुष होते हैं, और चय माने और जो सत्पुरुष होते हैं गंधो पठिवात में थी, उनकी गंध हवा के विपरीत बहती है। सब्बा दिशा सब पुरुषो पवायती, सारी दिशाओं में जो सत्पुरुष होते हैं उनकी सुगंध बहती है, ये इसका मतलब है। दूसरा वो कहते हैं चंदनंग तगरंग वापी उपलंग अथ वस्सिकी एतेसंग गंध जातानंग सील गंधो अनुत्तरो। ये 55 नंबर की है। इसका मतलब है चंदन, तगर माने सेंट, वापी माने वा अपी यानी और भी, उपलंग माने होता है कमल, और वस्सिकी माने होता है जूही। एते संग यानी एते एत एसंग गंध जातानंग सील गंधो अनुत्तरो, यानी इन सभी जो गंध उत्पन्न करते हैं, गंध उत्पन्न करने वाले ये जितने भी पेड़ पौधे हैं या फूल हैं सारे, इन सब में सील गंधो अनुत्तरो, यानी इन सब में जो सीलों की गंध है उसका कोई उत्तर नहीं है, वो अनुत्तरो है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने दो गाथाएँ वहाँ पर कहीं जो आनंद को बताई कि सील गंध से अच्छी किसी की भी फूल की कोई गंध नहीं है, सील का कोई जवाब नहीं है, इसकी चारों तरफ गंध फैलती है। दरअसल बार 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 भगवान बुद्ध ने सीलों के बारे में, पंच सीलों के बारे में और सारे सीलों के बारे में लगातार लगातार बताया है, और पूरे धम्म में जो सील हैं वो धम्म की प्राण हैं, धम्म के जान हैं, धम्म की वो लाइफ हैं। अगर पूरे धम्म में से अगर सीलों को निकाल के एक तरफ रख दिया जाए तो धम्म बैठ जाता है नीचे, जैसे किसी बहुत अच्छी मीनार का अगर फाउंडेशन निकाल दिया जाए तो वो मीनार गिर जाती है, उसी तरह से जो सील हैं वो पूरे धम्म का फाउंडेशन है, आधार है, आधार की शिला हैं, आधार के पत्थर हैं, आधार के स्तंभ हैं। अगर वो जरा भी हिलेंगे, लोग उनका पालन नहीं करेंगे तो धम्म की मीनार को नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले सील समाधि प्रज्ञा में सील आते हैं, क्योंकि सील पहले करेंगे तो समाधि लगेगी, और समाधि लगेगी तो प्रज्ञा आएगी, पहिया आएगी, और पहिया आएगी तो आदमी को मुख प्राप्त होगा, दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी, अदरवाइज होगी नहीं। कोई आदमी ये कहे कि मैं सीलों को छोड़ के समाधि और प्रज्ञा यानी पहिया करता हूँ, तो सीलों के बिना ना समाधि लगेगी और ना ही पहिया। ऐसा मैंने अनुभव किया जब मैंने कई कोर्स विपसना के किए, वहाँ अगर हम सील तोड़ते हैं तो समाधि नहीं लग पाती, और जब समाधि नहीं लगती तो फिर पहिया का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए जितने भी धम्मिक लोग हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी बौद्ध हैं, जितने भी धम्म के अनुयायी हैं, जो धम्म को मानते हैं पूरी दुनिया में, वो धम्म की शुरुआत अगर सील से नहीं करते हैं तो वो धम्म को नहीं मानते, फिर सिर्फ उनके पास में नाम ही नाम है, धम्म का तो धैर्य उनके पास नहीं होता है।
ये आनंद की कहानी नंबर 5 है। धन्यवाद।